हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि टैली में जो जीएसटी का जो पेमेंट करते हैं उसको एडजस्ट कैसे किया जाए अपने बुक्स में। तो ये क्वेश्चन जो है हमको कमेंट में अनिल सिंह जी ने पूछा था कि एक वीडियो जीएसटी एडजस्टमेंट के ऊपर प्लीज, जिससे हमें जीएसटी पेमेंट किया उसको कैसे एडजस्ट करें टैली में, जैसे वो क्लियर हो जाए। तो आज हम ये वीडियो उन्हीं के लिए लाए हैं और उनके जैसे और भी व्यूवर्स, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टैली एक हमारा एक कंपनी है मार्को फाइन फर्नीचर, तो इसमें आप देख सकते हैं हम आपको पहले आपको बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं कि बैलेंस शीट में अगर हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ऊपर चले तो आप हमको यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे हम अगर यहाँ पे 1 अगस्त 23 से 31 अगस्त 23 तक अगर हम दिखाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो है वो डेबिट बैलेंस है। दैट मीन्स ये मेरा जो है वो अगस्त में जो है इतना का मेरा इनपुट जो है वो पोर्टल पे पड़ा रह गया था, 5825 5825, ठीक है। और उसी तरफ यहाँ पे हम पहले 1 अगस्त ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 11,650 रुपये का जो है मेरा ये यहाँ पे टोटल इनपुट मेरा पोर्टल पे पड़ा था, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मिला के, ठीक है। उसके बाद अगर हम जीएसटी कैश लेजर पे चले तो जीएसटी कैश लेजर जो है मेरा वो 3,000 रुपये जो है वो जीएसटी कैश लेजर में मेरा पड़ा हुआ है 31 अगस्त के दिन, ठीक है। अब बात करते भी हमको सितंबर मंथ का रिटर्न डालना है, तो सितंबर मंथ का पहले हम वर्किंग पे चलते हैं, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो सितंबर मंथ का जो वर्किंग है हम यहाँ पे तैयार रखे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज अंडर आरसीएम, तो हमारे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे इसको अभी ब्लैंक रखे हैं। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, यानी कि हमारा परचेज का डिटेल। तो हम 18 सेप्टेम्बर को धनबाद फर्निकॉम से एक टैक्सेबल, जिसमें मतलब एक इनवॉइस था हमारा जिसमें टैक्सेबल 50,000 है और सीजीएसटी एसजीएसटी जो है हमारा 4,500 रुपया, ठीक है। तो हमारे केस में डेबिट क्रेडिट नोट कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज में हम एक फर्नीचर वर्ल्ड को हम एक बिल रेस किए हैं जिसका टैक्सेबल वैल्यू है 2 लाख और सीजीएसटी एसजीएसटी 18,000, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम बुक्स में एक बार एंट्री करते हैं एक नॉर्मल, उसके बाद हम बताते हैं कि इसको कैसे इसमें कैसे एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले हम एक परचेज का मान लीजिए एंट्री ले ले रहे हैं, ठीक है। हम कुछ भी मतलब ये रख रहे हैं, डेट लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लेजर बना देते हैं, रेगुलर में है ये हमारा, ठीक है। कुछ भी हम आइटम ले ले रहे हैं, लेट सपोज हम दीवान ले ले रहे हैं, क्वांटिटी 1 पीस ले ले रहे हैं, इसमें हमारा कितना है 50,000 रुपया सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। ये हम यहाँ पे परचेस करनी है, ठीक है। उसके बाद हमको एक सेल का बिल भी काटना था, तो सेल का बिल हमको किसको काटना था, धनबाद फर्नीचर वर्ल्ड को, ठीक है। तो हम एक फर्नीचर वर्ल्ड को सेल का बिल एक रेस करना है, फर्नीचर वर्ल्ड का हम एक लेजर बनाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डेटर्स, ठीक है। अभी हम इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम जस्ट आपको अभी हम सेल का एंट्री करना है हमको, जैसे सपोज हम दीवानी इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटी हम 2 पीस रख दे रहे हैं, इसको हम मान लीजिए 2 लाख रुपया टैक्सेबल वैल्यू, तो हम 2 लाख रुपया रख दिए। उसका सीजीएसटी इसमें क्या कर दिए 18,000, एसजीएसटी 18,000, ठीक है। ये हो गया हमारा जो वर्किंग था उसके हिसाब से हमारा एक एंट्री हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं इसके आगे देखते हैं। इसमें ये जो हमारा जो एक्सेल का जो ये सीट है ना, इसमें बहुत सारा इसमें मतलब हम जो मतलब GSTR 1 हो या 3B हो, जिस मतलब जो भी कॉलम्स है उसमें हम मोस्टली कॉलम जो है उसमें हम कवर कर दिए हैं, जैसे डिटेल्स ऑफ एडवांस रिसीट फ्रॉम पार्टीज, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस रिसीट फ्रॉम पार्टीज, ये सब का इतना जरूरत नहीं है। तो फिर भी हम ये जो फॉर्मेट है बस इसमें है, तो इसलिए हम इसको रहने दिए, इसको हटाए नहीं है, ठीक है। अब इसमें आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में आप देखिए यहाँ पे 2 लाख टैक्सेबल था, इस पर 18,000 18,000 रुपये जो है वो लाइबिलिटी बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए पेमेंट एंड सेट ऑफ ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ये आपको देखिएगा वहां पे GSTR 3B अगर आप रिटर्न लगाते होंगे तो आपको ये लाइन जो है वहां पे देखने को मिलता होगा लास्ट में जब आप पेमेंट को सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे पहला लाइन हम यहाँ पे लिखे हैं, ये हमारा वर्किंग है, आपका वर्किंग किसी और तरह से हो सकता है, बस ये समझने का बात है। तो यहाँ पे है नेट ITC ऑफ करेंट मंथ, मतलब इस मंथ जो है हमारा कितना परचेस था जो हमको मतलब 2B में एक्चुअली जो मिलेगा। तो हमारा जो ये जो है सीजीएसटी एसजीएसटी जो है 4,545, जो मेरा एक ही परचेस था इसका सीजीएसटी एसजीएसटी 4,545 था। उसके बाद है ITC अवेलेबल ऑफ प्रीवियस मंथ ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी कि जो हमारा पहले का जो ITC जो पड़ा था पोर्टल में वो है जो हम आपको बैलेंस शीट में पहले दिखाए थे 5,825। उसके बाद है यहाँ पे इनपुट फ्रॉम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर आप रिवर्स चार्ज में अगर आप कुछ अमाउंट जो है पे करते हो तो आप सेम मंथ में उसका इनपुट क्लेम करते हो, तो अगर वैसा कुछ है तो ये यहाँ पे आएगा।
उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये तीनों जो है ऐड हो गया, ठीक है। अभी मेरे केस में आरसीएम नहीं है तो ये दोनों ऐड हो गया, तो 10,325, 10,325 इतना जो है मेरा ये सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का जो है इनपुट रहा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टोटल टैक्स लाइबिलिटी, तो मेरा टैक्स लाइबिलिटी कितना है, जो 2 लाख का जो हम बिल रेस किए थे टैक्सेबल, उस पर 18,000 टैक्स बन रहा था। हमारे पास इनपुट कितना है 10,000 10,000, तो ये दोनों अगर हम माइनस कर दें, 18,000 से 10,000 अगर हम माइनस कर दें तो मेरा कितना बच रहा है, 7,674 रुपया। तो यहाँ पे देखिए आप कि आईजीएसटी अवेलेबल आफ्टर सेटअप ऑफ आईजीएसटी टैक्स लाइबिलिटी, अगर आईजीएसटी रहता हमारा तो आईजीएसटी से सेटअप करने के बाद हमारा टैक्स लाइबिलिटी क्या बनता है, वो कॉलम है। तो आईजीएसटी तो हमारे केस में था नहीं, तो इसको हम छोड़ दिए। उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी अवेलेबल आफ्टर सेटअप ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी से सेटअप करने के बाद हमारा टैक्स लाइबिलिटी कितना बन रहा है, तो 7,674 रुपया जो है हमारा टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है। अब हमको इसी को जो है पे करना है, पे करवाना है क्लाइंट से, पे करवाएंगे उसके बाद हम इस पिक का जो है वो हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे इसके नीचे अगर हम और आए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैश लेजर बैलेंस आफ्टर रिटर्न फाइलिंग डेट, रिटर्न फाइलिंग डेट यानी कि 20 सितंबर, 20 सितंबर मेरा रिटर्न फाइलिंग डेट था, किसका, अगस्त का। तो अगस्त का रिटर्न फाइलिंग करने के बाद मेरे पास जो है पोर्टल पे जो है कैश लेजर में भी बैलेंस पड़ा था 3,000 रुपया, जो हम आपको बैलेंस शीट में आपको दिखाए थे लेजर में। आप यहाँ पे अगर आप देखिएगा बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे आपको जीएसटी कैश लेजर में 3,000 दिख रहा था, वो यही है, ठीक है। 3,000 रुपये पहले से मेरा पड़ा था। तो अब देखिए, अब मेरा फाइनल जो तैयार होने वाला है, तो आप यहाँ पे मेरा टैक्स लाइबिलिटी इतना बन रहा था, ठीक है। उसके अलावे मेरा पास कैश लेजर में इतना पड़ा था, तो इतना हम कम अमाउंट पे करेंगे, तो इससे हम माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो फिगर आएगा वो हमको क्लाइंट से टैक्स पे करवाना है, तो हमको जीएसटी का जो टैक्स पे करवाना है वो करवाना है 6,174, 6,174.75, ठीक है। तो इतना रुपया जो है हमको वो टैक्स का पेमेंट करवाना है। अब इसका एंट्री हमको कैसे क्या करना है वो हम चलिए टैली पे देखते हैं। तो अभी देखिए हम एंट्री तो यहाँ पे परचेज और सेल दोनों का कर लिए, तो अब यहाँ पे देखिए अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको लाइबिलिटीज कितना दिखा रहा है, 15,349.50, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 15,349.50, यानी यहाँ पे देखिए 15,349.50 यही मेरा टैक्स लाइबिलिटी में शो कर रहा है, क्योंकि हम देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी का हम एक ही लेजर रखे हैं, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि इनपुट सीजीएसटी अलग बनाते हैं, आउटपुट सीजीएसटी अलग बनाते हैं, उसके बाद उसको क्या होता है कि लास्ट में एक दूसरे से सेटअप करते हैं। हम उतना लेंदी नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कॉमन लेजर रखते हैं सीजीएसटी का, जो कि मेरा इनपुट में भी यूज होगा और आउटपुट में भी यूज होगा। उससे फायदा क्या होता है कि यहाँ पे देखिए अभी जो डेबिट बैलेंस था वो यहाँ पे अब क्रेडिट बैलेंस हो गया, मतलब ये ऑटो सेटअप हो जाता है सीजीएसटी से, सीजीएसटी से सीजीएसटी का और एसजीएसटी से एसजीएसटी का ऑटो सेटअप हो जाता है। अभी आप देखिए यहाँ पे ऑटो सेटअप हो करके देखिए यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये मेरा टोटल इनपुट का पार्ट था, ये वाला पार्ट जो है आउटपुट का पार्ट था। तो ये ऑटो सेटअप हो करके देखिए इस मंथ का इनपुट कितना था मेरा 4,500, आउटपुट था क्या मेरा कितना 18,000, 5,825 मेरा पहले का इनपुट था। तो ये ऑटो सेटअप करके 7,674 रुपया जो है वो लाइबिलिटी दिखाया, जो मेरा यहाँ पे वर्किंग में भी आ रहा था, ठीक है। तो ये ऑटो सेटअप करके मेरा यहाँ पे ये आ गया सीजीएसटी एसजीएसटी का, मेरा जो है वो बैलेंस दिखाने लगा कितना रुपया जो है हमको वहां पे पेमेंट करना है। अब हम क्या करेंगे कि 30 सितंबर के दिन हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, ठीक है। 30 सितंबर को एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं हम, आप नहीं भी कीजिएगा तो चल जाएगा, बट जो मेरा तरीका है हम वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीजीएसटी का मेरा क्रेडिट बैलेंस था तो हम सीजीएसटी का बैलेंस को कर देते हैं डेबिट, ठीक है। तो सीजीएसटी का बैलेंस हम डेबिट कर देंगे 7,674.75, इसको कर देंगे जीरो, फिर डेबिट कर देंगे एसजीएसटी, ठीक है, 7,674 ये वाला बैलेंस। उसके बाद हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे सीजीएसटी पेबल, ठीक है। सीजीएसटी पेबल का हम एक यहाँ पे लेजर बनाएंगे, इसको रखेंगे हम करंट लाइबिलिटीज में या फिर आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अदर में भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में रख दे रहे हैं ताकि बैलेंस शीट में हमको बाहर में ही वो दिख जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रह जाएगा अमाउंट 7,674.75, मतलब सीजीएसटी वाला ही अमाउंट सीजीएसटी पेबल में ट्रांसफर कर दिए और एसजीएसटी वाला अमाउंट हम एसजीएसटी पेबल में ट्रांसफर कर देंगे करंट लाइबिलिटीज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नरेशन आपको जो लिखना है लिख लीजिए, यानी कि मंथ का एंड में अगर हम 30 सितंबर का अगर हम बैलेंस शीट चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में हमको इतना इतना रुपया जो है वो पे करना था 30 सितंबर का एंड में, ठीक है, इतना रुपया हमको पे करना था। वो अलग बात है कि जीएसटी कैश लेते मेरे पास 3,000 रुपया है, वो तो मेरा एसेट का पार्ट हो गया, बट मेरा लाइबिलिटी क्या है वो 7,674,
7674 ये मेरा है। अब मान लीजिए ये 30 सितंबर जो है इसका बैलेंस शीट हो गया। अब हम इसका जो हमको टैक्स का जो पेमेंट करेंगे वो हम कब करेंगे, अक्टूबर में। तो लेट सपोज कि आज के डेट में यानी 11 अक्टूबर जो आज हम जिस जो वीडियो बना रहे हैं, आज के डेट में मान लीजिए हम ये वाला टैक्स का जो है वो पेमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करवा सकते हैं, ये 1,500 रुपया माइनस करके भी आप पेमेंट करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि पोर्टल पे आपका जो है वो बैलेंस रहेगा। हम जिसे एज ए अकाउंटेंट हम क्या करते हैं कि जिसे कभी कभी क्या होता है ना कि रिटर्न डालना किसी कारणवश मान लीजिए छूट जाता है, या क्लाइंट जो है वो आपको जो डाटा जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाता है, तो आपका जो है लेट फाइन लग जाता है। तो लेट फाइन लग जाता है, मान लीजिए एक दिन का लेट सपोज 50 रुपये लेट फाइन लगता है। 50 रुपये क्लाइंट से पे करवाने में अच्छा नहीं लगता है, उनको भी मतलब एक होता है ना कि समय देना पड़ेगा अलग से। तो उस केस में क्या करते हैं कि हम कैश लेजर जो है पोर्टल पे उसमें हम कुछ पैसा जो है हमेशा उसमें फंडिंग रखते हैं, ताकि इन केस अगर इंटरेस्ट पे करना पड़े या फिर लेट फाइन पे करना पड़े तो हम उस लेजर से हम डायरेक्ट सेटअप कर लें, हम क्लाइंट को परेशान ना करें, ठीक है। तो इसमें हम कुछ पोर्शन जो है वो छोड़ देते हैं। आप चाहे तो इसको पूरा यूटिलाइज भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट आप कस्टमर को क्लाइंट को बोल सकते हैं कि भाई आपका 15,350 रुपया का है जो आपको टैक्स बना है, और आप इतना का ही आप चालान बना के उनको दे दीजिए, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते मेरा यही है, हमको इतना पे हमको ये जीएसटी कैश लेजर 3,000 से मेरा पड़ा हुआ, इसको अभी हम भूल जाते हैं। तो इस पे अभी हम क्या करेंगे, पेमेंट कराना है क्लाइंट को, ठीक है। तो हम आज के डेट में 11 सितंबर का डेट में मान लीजिए, सॉरी 11 अक्टूबर का डेट में मान लीजिए क्लाइंट जो है वो पे कर दिया, ठीक है। तो पे कर दिया तो वो देखिए आपको यहाँ पे अब जब वो पेमेंट कर दिया ना जीएसटी का, तो अभी अब जीएसटी का पेमेंट जस्ट वो पोर्टल पे आया है, ध्यान रखिएगा वो जीएसटी का पोर्टल पे आया, अभी सेटअप कुछ नहीं हुआ है। तो जो पोर्टल पे आया है ना उसी को बोलते हैं जीएसटी कैश लेजर, ठीक है। तो जीएसटी कैश लेजर में पहले हम उसको जो है उस बैलेंस को डेबिट करेंगे। तो हम मान लीजिए क्लाइंट से हम 15,350 रुपये जो पे करवा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 15,350 रुपया पे, जीएसटी कैश लेजर में मेरा 15,350 रुपया आ जाएगा। अब पेमेंट वो बैंक से किए हैं तो हम यहाँ पे बैंक को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। 11 अक्टूबर के दिन जीएसटी कैश लेजर में जो है मेरा बैलेंस आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा बैलेंस बढ़ गया 11 अक्टूबर के दिन। मान लीजिए हम रिटर्न लगा रहे हैं 13 अक्टूबर को, ठीक है। तब 13 अक्टूबर को हम लगा रहे हैं रिटर्न, ठीक है। तो हम मेरा एंट्री क्या हो जाएगा 13 अक्टूबर को, सीजीएसटी मेरा क्रेडिट बैलेंस था, सीजीएसटी पेबल, तो सीजीएसटी पेबल को हम कर देंगे डेबिट, ठीक है। कितना अमाउंट से, तो जो वहां पे दिख रहा है वो अमाउंट से कर देंगे। फिर डेबिट कर देंगे एसजीएसटी पेबल, ठीक है, 7674.75। उसके बाद क्रेडिट किसको करेंगे, अब यहाँ पे क्रेडिट करेंगे जीएसटी कैश लेजर को, क्योंकि बैंक से तो पेमेंट होकर के पहले जीएसटी कैश लेजर में आया। अब क्या है कि सीजीएसटी अब जब हम सेटअप करते हैं 3B में, वहां जो आप सेटअप जब आप कर रहे हैं ना तो वहां पे आपको पेमेंट जो हो रहा है वो जीएसटी कैश लेजर से हो रहा है, यानी कि पोर्टल पे जो बैलेंस पड़ा है उससे अब आपको वहां पे पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप जीएसटी कैश लेजर से आप इसको पेमेंट कर लीजिए। जीएसटी कैश लेजर हमारा किस में रहेगा, यहाँ पे आपका करंट एसेट्स में रहेगा, क्योंकि आपका मतलब बैंक से तो भले पैसा निकल गया बट कहीं ना कहीं आपका वो एक वॉलेट में वो पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। जीएसटी कैश लेजर का जो वॉलेट है उसमें पैसा पड़ा हुआ है, तो वो भी आपका एक तरह से क्या है, करंट एसेट ही है, क्योंकि आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जीएसटी कैश लेजर में आप उतना का पेमेंट कर दिए, ठीक है। देखिए सीजीएसटी पेबल और एसजीएसटी पेबल में बैलेंस जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा था पहले सीजीएसटी पेबल और एसजीएसटी पेबल में बैलेंस दिख रहा था, वो हमारा यहाँ पे जीरो हो गया। आपको जीएसटी कैश लेजर में जो पहले बढ़ करके आ रहा था पैसा 18,000 रुपया जो बढ़ गया था वहां पे, देखिए अब यहाँ पे सॉरी 18,000 रुपया जो टोटल हो गया था वहां पे, देखिए 15,350 रुपये यहाँ डेबिट हुआ था, पहले बढ़ा था, उसके बाद 15,349.50 रुपये का हम पेमेंट कर दिए तो वो मेरा यहाँ से क्रेडिट हो गया, घट गया। तो अब मेरा पोर्टल पे कितना बैलेंस है, 3,000.50, 3,000 पहले का था जो था, अब 50 पैसा मेरा एडजस्टमेंट करने के बाद बढ़ गया। तो इस तरह से क्या होता है कि जीएसटी का जब हम पेमेंट करते हैं तो वो पहले पोर्टल पे आता है। अब पोर्टल पे आने के बाद हम जीएसटी का जो थ्री जीएसटी थ्री भी जब हम पेमेंट सेटअप करते हैं तो वहां पे हम कैश लेजर से उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये ओवरऑल एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, थोड़ा लेंदी हो गया वीडियो बट हम थोड़ा डिटेल में इसको समझाना चाह रहे थे, इसीलिए हम इतना बारीकी से इस वीडियो को बनाए हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो में हम जो बताएं वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम इसका आंसर जरूर करेंगे। धन्यवाद।